उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लव जिहाद का जिन्न भी बोतल से बाहर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि देश भर में नाम बदलकर मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। ये मामले उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा हैं, मगर चुनाव नजदीक आते ही ऐसे मामलों का रोज सामने आना अभी भी कुछ संकेत देता है। बहरहाल, ताजा मामला आगरा से सामने आया है जो बड़ा ही हाई प्रोफाइल है। दरअसल लखनऊ के मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी से साल 2010 में शादी कर ली। ये शादी आर्य समाज पद्धति से की गई। शादी के एक साल बाद जब लड़की को असलियत पता चली तो उसके होश उड़ गए। पर वो करती भी तो क्या करती, शादी हो चुकी थी, घर बस चुका था, सो लड़की ने लड़के की बात मानकर अपने भी धर्म परिवर्तन का फैसला मान लिया। इसके लिए लड़की को अजमेर ले जाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लड़की पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार बढ़ने लगे। आखिरकार लड़की का सब्र जवाब दे गया और उसने आगरा के सदर बाजार थाने में मामला दर्ज करा दिया। थाना क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन लॉज है उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। FIR के मुताबिक साल 2010 में महिला एक पार्टी में लखनऊ गई थी, जहां उसकी मुलाकात लखनऊ के राजाजी पुरम ताल कटोरा निवासी आरिफ हाशमी से हुई। आरिफ ने अपना नाम आदित्य आर्य बताया और खुद को टिम्बर का बड़ा कारोबारी बताया। तभी वो किसी न किसी बहाने आगरा में महिला के घर आने जाने लगा। एक दिन किसी पार्टी में आरोपी ने महिला के टीका लगाते हुए योजनाबद्ध तरीके से फोटो खींच लिया, जिसमें वो मांग भरता दिखाई दे रहा है। इस फोटो से बदनाम करने का डर दिखाकर उसने लड़की पर दबाव बनाकर उससे हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। एक साल बाद असली नाम आरिफ हाशमी का पता चलने पर दबाव बनाकर उसका भी धर्म परिवर्तन करा दिया। तभी से आरोपी लगातार महिला का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। वहीं आरोपी आरिफ ने पुलिस के सामने दो युवतियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने की बात कबूल कर ली है, जबकि छानबीन में पुलिस को जानकारी मिली कि वो अब तक करीब 5 से 6 युवतियों को लव जिहाद में फंसा चुका है। आरोपी युवक राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखता है। उसके पूर्व सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ तस्वीरें भी हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है। अस्तित्व न्यूज के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। Oh,